हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। इसके पहले मैंने दो क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, उनको तुम लोग रेफर कर सकते हो। नाउ वी कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन। ये जनरली वन मार्क में क्वेश्चन जैसे आता है, तो सी व्हाट द क्वेश्चन इज। ए गिवन है जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें चार एलिमेंट्स हैं, और आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया, यहाँ पर हमने ए सेट के ही एलिमेंट्स को ए सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करना है। तो हम स्टार्ट ऐसे करते हैं क्वेश्चन। ए के एलिमेंट्स हैं, तो क्योंकि ए क्रॉस ए, तो हम इसको दो बार लिख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में तुम लोगों को इजी रहेगा। नाउ डिफाइंड बाय दिस रिलेशन, इस तरीके से डिफाइंड है कि ए बी एक ऑर्डर पेयर रिलेटेड विद अनदर ऑर्डर पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट फोर्थ के साथ, फर्स्ट एंड फोर्थ ऐड होके सेकंड एंड थर्ड, बी और सी सेकंड एंड थर्ड के इक्वल बताया हुआ है। सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। जैसे हम ऑर्डर पेयर का नंबर कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, तो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 1, 3 पेयर के लिए। इसका मतलब हमें एक पेयर और निकालना है ऑर्डर पेयर का, एक ऑर्डर पेयर बताना है जिसको इसके साथ अगर रखें तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने ऐसे स्टार्ट किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, 3 इज गिवन पेयर, लेट another pair b x comma y। ये हमने ले लिया x comma y another pair है, where क्योंकि सारे numbers a के ही हैं तो हमने लिख देना x comma y belongs to a, x and y दोनों a के होने चाहिए। तो now x comma y related to 1, 3 implies, इसके अकॉर्डिंग अभी जैसे मैंने समझाया था, फर्स्ट किससे ऐड होगा फोर्थ वाले से, तो फर्स्ट फोर्थ से ऐड हुआ इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट फोर्थ और इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। यहां से अगर हमने इसको लिखा तो तुम लोग देख लो क्या आ जाएगा इसका रिलेशन, यहां पे रह गया 3 - 1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू y - x, that means y - x is equals to 2। अब तुमने ऐसा पेयर बताना है इस सेट में से, ए सेट में से, x and y क्योंकि हमने लिखा both belongs to a set, तो ऐसा पेयर बताना है जिसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर 2 आता है। तो तुमने देखना है 1 and 2, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ये नहीं लेना, 1 and 3 को करने से आ जाएगा, तो हमें 3 पहले रखना पड़ेगा 1 बाद में, लेकिन ये तो यही पेयर रिपीट हो जाएगा, है ना, 1, 3 से वही पेयर आ गया, तो वो नहीं लेना। नेक्स्ट हमें देखना है 1, 4 तो हो नहीं सकता, कौन सा पेयर होगा, तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कौन सा पेयर लेना हमने, तो यू कैन सी 1, 3 लेना नहीं है, तो नेक्स्ट पॉसिबल पेयर इज ओनली 2 and 4। तो बड़ा नंबर रखना है हमने y, यानी क्या रखेंगे, देयरफॉर x क्या होना चाहिए 2 और y शुड बी 4, ताकि ये दोनों बिलोंग भी करते हैं, बोथ बिलोंग्स टू ए एंड 4, 2, 4 - 2 is 2, दैट मींस पेयर 2, 4 इज द अनदर रिक्वायर्ड पेयर फॉर द इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर, समझ में आ गया? So this is the way it should be done. So keep watching the video for the next important questions. All the best.